तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर टेन ए प्लस बी रहा, ठीक है, क्या रहा, टेन ए प्लस बी, ठीक, क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लिया मैं ए बी को, बी को रिप्लेस कर दिया माइनस बी से, यहाँ से क्या हो जाएगा टेन ए माइनस बी हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ बी दिखाई दे उस जगह पे माइनस बी मेरे को लिखना पड़ेगा। तो टेन माइनस थीटा क्या होता है, टेन मेरे को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस टेन थीटा, तो उसी तरीके से टेन माइनस बी माइनस टेन बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ से टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस टेन ए टेन बी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही काम का सब है ना, ये टेंथ क्लास में हम लोग को पता भी होता है, ठीक है, टेन ए प्लस बी तो नहीं पता होगा, ठीक है, बट अब अगर पता था तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं पता है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, तो रेसिप्रोकल करत क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा वन माइनस टेन ए, इसको भी ध्यान में रख सकते हो, बस खेलते रहो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, बस सही तरीके से, फिर मजा आ जाएगा चैप्टर। क्या करना है इसके बाद देखो, मेरे को कॉट में अगर लाना हो तो ऐसा मैं करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ वन बाई टेन ए टेन बी से, ठीक है, तो डिवाइड करें तो वन बाई टेन ए टेन बी, क्या कॉट ही कॉट भी हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉट ही कॉट भी मल्टीप्लाई कर रहे एक तरह से हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन हो गया, डिवाइड बाई, अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इस जगह पे क्या हो जाएगा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये चीज़ टेन ए वन बाई टेन ए इंटू टेन बी, तो फाइनली क्या बच जाएगा, टेन ए कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट बी बचेगा और यहाँ पे प्लस कॉट ए बच जाएगा, ठीक है। फिर सेम कहानी, अगर मैं बी को माइनस बी से रिप्लेस करा तो कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है, तो उसी तरीके से क्या बोलेंगे यहाँ से कॉट ए माइनस बी जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसा लिख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, एक काम करता हूँ मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं वन प्लस, फिर ऐसा बोल लो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, ऊपर माइनस कॉमन निकाला, नीचे भी माइनस कॉमन निकालना, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉट टेन ए प्लस बी, ठीक है, ये क्या हो गया टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक थोड़ा कुछ और ध्यान में रख सकते हो, जैसे अगर मैं ऐसा बोल दिया, देखो समझो, जैसे सपोज ये लिखा हो कहीं पे, सपोज टेन ए प्लस टेन बी रहा, तो इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे, यूज़ आता है, देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ही काम का ये सारा फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है, आता कहाँ से, अब देखो बहुत ही सिंपल सिंपल है, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए हो गया प्लस इट इज साइन बी बाई कॉस बी हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया, अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी होता है ना, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, यही था, बट इसको ध्यान रखना इस रिजल्ट को, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से अगर रहा कभी कि टेन ए माइनस सॉरी टेन ए माइनस अगर टेन बी लिखा हो तो
तो समझ में आ रहा है, फिर से क्या बन जाएगा उस टाइम क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई नीचे तो कॉस ए कॉस बी होना, उसमें तो कोई शक वाला बात ही नहीं है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर क्या ध्यान में रखना है, ऑफकोर्स ये जो था, ये जो था इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, मीन सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे अगर ऐसा रखा भी, ठीक है, देखना, अगर सपोज यहाँ लिखा हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन अगर ए माइनस बी रहा तो क्या होगा ये, ठीक है, क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी रहा, ठीक है, किसके इक्वल होगा। अब देखो समझो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अब ध्यान दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके इसको मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। अब मैं काम करता हूँ, सभी को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी हम लोग बोल सकते हैं, माइनस इसको क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कितना बहुत सुंदर सा रिजल्ट आ गया, छोटा सा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर मैं चाहूँ जो कॉस में कन्वर्ट करना तो कॉस में भी कर लो इस चीज़ को, क्या हो गया इसको मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बोल सकता हूँ, ठीक है, माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी में बोल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ इसे कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस की वजह से, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये देखो समझो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर क्या बोलेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये रिजल्ट भी ध्यान में रखना है, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बोलूँ, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, हमने प्रूफ भी कर दिया हमने, ठीक है, बट ये रिजल्ट पता होना चाहिए हर हाल में, ठीक है, जो मैं घेरे जा रहा हूँ सबको हर हाल में पता होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में नहीं, आने वाला जितना भी चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो किसी जगह पर भी आ सकता है, इंटीग्रेशन पढ़ लो, लिमिट पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, ठीक है, वेक्टर पढ़ लो, मैं बहुत जगह इन सब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ मतलब लगभग हर जगह आता ही है, ठीक है, तो पता होना चाहिए सभी को। तो उसी तरीके से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जैसे हम लोग कर लिए, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि चलो बताओ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या हो, जैसे अगर मैं ए को रिप्लेस कर दिया सपोज पाई बाय टू प्लस ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, न्यू ए मान लो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस जगह से साइन पाई बाय टू प्लस ए प्लस बी आ गया इंटू साइन पाई बाय टू प्लस ए माइनस बी हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी समझ मेरे को दिख रहा है क्लियर क्या कर रहा है इसको, ठीक है, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर क्या हो गया ये, ठीक है, इसको मैं क्या लिखा पाई बाय टू प्लस ए करा इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये चीज़ साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल आ जाएगा इसे देखो, ठीक है। इसको कैसे प्रूव देखो, पहले मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो गया इंटू क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है और डायरेक्टली फर्स्ट के हेल्प से सेकंड तुरंत निकाल लिए, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। अब देखो इस जगह पे इसको मैं ये ना करके मैं डायरेक्टली भी इसको मैं प्रूफ कर सकता था। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी करते और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन भी करते, तो वहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम कहानी करते, ठीक है, उससे भी मेरा आ जाता, ठीक है। बट मैंने थोड़ी जल्दी दो तीन स्टेप में डायरेक्टली कर लिया, अगर ए को मैं पाई बाई टू प्लस ए से रिप्लेस करा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ साइन में तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, माइनस है वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको किसके इक्वल बोल सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा।